अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंजुम आ रहा है माई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, आज मैं ये थाल पोस मैंने अपने चैनल पे डाला है, लेकिन इसको बड़ा बनाने का कमेंट आया है, तो चलिए हम इसी के ऊपर से बड़ा बनाते हैं। किस तरह से बनाएंगे उससे पहले दोस्तों, मैं आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो इसके लिए हमने 2 प्लाई का ऊन लिया है, ये दोनों ऊन से हम बनाएंगे। और ये क्रोशिया नंबर देख लीजिए, 10 नंबर का है। तो चलिए शुरू करते हैं, ये वाला पहले लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ से इसे नॉट लेते हैं, उसके बाद से ये देखिए इसके ऊपर से हम इस ऐसे लेंगे, और फिर 1 2 3 4 एक ये जो लूप है, एक लूप छोड़ के दूसरे वाले लूप में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। ये देखिए, दो तीन चार, और ये एक लूप छोड़ेंगे और ये दूसरे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया बना देना है ऐसे। एक दो तीन चार, इसी तरह से एक एक छोड़ के ये सारा जो पूरा राउंड है, राउंड में पूरे बना के आपको दिखाते हैं आगे किस तरह से बनाना है। तो देखिए ये वाला पूरा रायल लाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें ये देखिए यहाँ पे 2 लूप बच गया है, तो इसमें हम इस तरह से कर देते हैं। अब क्या करना है, इसके अंदर आना है, तो यहाँ पे हमें 3 चैन लेना होगा, 1 2 3। और ये सारा जो चैन है इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन चार पांच छः, और यहाँ जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर भी एक बनेगा, ये 7 हो गया। फिर इसके अंदर आ जाएंगे, 1 और ये 2 3 4 और ये 5। देखिए आपको यहाँ पे डबल क्रोशिया इतना लेना है जैसे कि ये आपका ना लूज हो और ना ही ज्यादा टाइट हो, जैसे कि आपको ये मीडियम में रहे। तो आप ये चैन, हमने 4-4 चैन लिया है, लेकिन 4-4 चैन में देखिए यहाँ पे हमने 2 लूप छोड़ दिया था, तो यहाँ पे मुझे गलती हो गया है और 2 लूप यहाँ पे बच भी गया है। तो यहाँ पे हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना पड़ा, लेकिन इसके अंदर 1 2 3 4 5 ही बनाए हैं, 4 इसके अंदर चैन के अंदर 4 बनाए हैं और 1 इसके ऊपर। तो आप उसी हिसाब से आप ये डबल क्रोशिया लीजिएगा। देखिए इसके अंदर ले रहे हैं 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पे 4 चैन में 4 ही आएगा।
और फिर देखिए इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया ऐसे। तो इस तरह से पूरी रो कंप्लीट हो जाएगा और ये ना टाइट होगा और ना ही ज़्यादा ढीला लूज होगा, जैसे कि हमको ये पूरा लाइन इस तरह से ले जाना है। देखिए तो पूरी रो कंप्लीट करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे सारा में चार चैन लिए हैं, तो चार ही यहाँ पे डबल क्रोशिया आ रहा है देखिए, और एक इसके ऊपर बना रहे हैं। तो पूरी रो इसी तरह से ले जाएंगे। देखिए ये लूज नहीं हो रहा है, ना ही टाइट हो रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि ये ना लूज हो ना टाइट हो, पूरा मीडियम में जाए। तो देखिए ये पूरा रो इस तरह से कंप्लीट हो गया है, पूरा बराबर में आया है, ना लूज हुआ है ना टाइट हुआ है। तो चलिए इसे इस तरह से निकाल देते हैं। यहाँ पे ये जो तीन चैन लिया था शुरू में, उसी में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके इसे हटा देना है। इसे बाद में पीछे कर दीजिएगा, चाहे तुरंत भी कर सकते हैं। अब हम नीचे वाला कलर लगाएंगे, ये वाला कलर। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। उसके बाद देखिए एक दो तीन तीन चैन लेने के बाद, सॉरी यहाँ पे हमें पांच चैन लेना होगा। तो तीन चैन ये ले लिए और दो चैन और एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे तीन बार इसमें हम ये ऊन लपेटेंगे और फिर इसी में इस तरह से ऐसे इस तरह से डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया हमें बनाना होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, नौ चैन यहाँ पे लेंगे और फिर यहाँ पे देखिए ये जो है इसके बीच में हमें एक और लूप इस तरह से बनाना होगा। तो यहाँ पे हमने नौ चैन लिया है और फिर ये देखिए तीन बार इसमें इस क्रोशिया में धागे को लपेटेंगे और फिर यहाँ पे एक दो तीन और ये चार। तो देखिए ये चार बार हमने यहाँ पे क्रोशिया बनाया है, मतलब ट्रिपल क्रोशिया से ज़्यादा हो गया। फिर यहाँ पे दो चैन लेंगे और फिर उसी तरह से तीन बार लपेटेंगे और इसी में ऐसे चार बार बनाना है। तो देखिए ये आपका इस तरह से आएगा। फिर से नौ चैन लीजिए और एक यहाँ बनाइए। नौ चैन लेने के बाद इसी तरह से करके ये आपका लूप पूरा रो में बनेगा, एक दो तीन। तो देखिए यहाँ पर भी नौ चैन ले लिए हैं। नौ चैन लेने के बाद ये देखिए इसके बीच से आपका यहाँ पे आएगा और फिर से यहाँ पे एक लूप बनाएंगे। तो यहाँ पर भी तीन बार इस तरह से लपेटें और इसके बीच में इसके अकॉर्डिंग आपको ये लूप बनाना होगा, एक दो तीन और ये चार। फिर दो चैन लेंगे और फिर उसी तरह से तीन बार लपेटेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से चार बार
एक क्रोशिया में बनाएंगे। जिस तरह से डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं उसी तरह से आपको फोर क्रोशिया बनाना होगा। और इस तरह से करके आप पूरी रो कंप्लीट करें, फिर आगे आपको दिखाते हैं किस तरह से बनाना है। यहाँ पे 9 चैन के बाद आपका आ जाता है, अगर आपका ऊन मोटा है तो आप कम ऊन भी ले सकते हैं, कम चैन भी ले सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से बनाइए। तो हम पूरा बना के आपको दिखाते हैं। देखिए पूरी रो कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे 9 चैन ले लिए हैं। 9 चैन लेने के बाद इस वाले चैन में जहाँ हमने 3 चैन लिया है उसी में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब क्या करना है इसमें देखिए, यहाँ पे भी 1 2 3 4 और ये 5, 5 चैन लिए हैं और फिर यहाँ पे देखिए 1 2 और ये 3, 3 बार इस तरह से क्रोशिया में धागे को लपेटेंगे और इसके अंदर हम 16 बार, मतलब कि इसमें तो हमें 15 बार बनाएंगे, ये चैन ले लिए हैं तो 16 हो जाएगा, बाकी के सारे में 16 बार इसी तरह से बनाना है। तो देखिए किस तरह से बनाते हैं, ऐसे फिर से तीन बार इसे लपेटना है और 4 बार 4 बार क्रोशिया में से निकालना है। देखिए 3 बार, और इस तरह से आपको 16 बार इसमें बनाना है, 16 टाइम। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, 10 बार और बनाएंगे। तो 10 बार और बना के हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये 16 टाइम हमने बना लिया है, पूरे 16 है, ये देख लीजिए, ये चैन वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें भी 16 बनाया जाएगा, ये चैन है तो इसमें ये 15 बनाया गया है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 चैन लेंगे और फिर उसी तरह से 3 बार लपेटेंगे और फिर इसके अंदर ऐसे बनाएंगे 16 बार, जिस तरह से यहाँ में बनाया गया है उसी तरह पूरी राउंड में हमें इसी तरह से बनाना है। तो पूरा राउंड बना के हम आगे आपको दिखाते हैं किस तरह से ये आपको लगेगा दिखने में और ये किस तरह से बड़ा हो जाएगा। इस पे बहुत सारा कमेंट आया है कि इसे बड़ा करिए, तो इसे हम आपको बड़ा करके दिखा रहे हैं। तो फिर से पूरा 16 बार इसी तरह से बना के आपको दिखाते हैं। देखिए ये रो भी कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे इसे इस तरह से करके 1 2 3 4 चैन लेने के बाद यहाँ जो हमने 3 चैन लिया था इसी में लाके इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके अटैच कर देंगे और इस धागे को कट कर देंगे। अब यहाँ पे ये वाला धागा लगाना है, यहाँ भी इसे इस तरह से सबसे पहले नॉट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे और फिर देखिए 1 और ये 2, सिर्फ 2 बार ये वाला बनाना है आपको, 1 चैन लेना है
और फिर एक और ये दो, ये देखिए, फिर एक चैन लेंगे इसी तरह से करके, ये सारे में हमें 15 बार बनाना है। ऐसे एक चैन और ये 2 बार इस तरह से। इस तरह से करके पूरी रो हमें कंप्लीट करना है इस तरह से। देखिए आपका लुक इसका इस तरह से आएगा, एक चैन और ये आपको जितना बड़ा बनाना हो आप इसी तरह से इसे बना सकते हैं। देखिए अब हम इस तरह से पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करके फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए, और यहाँ पे सिर्फ 2 चैन लेना है और फिर इस तरह से बना देना है। यहाँ पे उसी तरह से 2 बार, यहाँ पे 2 चैन लिए हैं और फिर इसमें इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया बना देना है। देखिए डबल क्रोशिया नहीं है, सॉरी, इस तरह से टान के ये बनाना है। तो पूरी रो कंप्लीट करके फिर हम आगे आपको दिखाते हैं आगे किस तरह से बनाना है। देखिए ये रो भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 4 चैन लेंगे और फिर इसके अंदर में देखिए ये नीचे में आपका 16 है और ऊपर वाला 15 है। अभी जो आएंगे तो यहाँ पे आपका ये 14 हो जाएगा, तो ये वाला हमें घटाना है। 1 2 3, फिर से हमें 1 और 2 इस तरह से बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे, फिर इस तरह से 2 बार बनाना है। तो यहाँ तक बना के हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह से बनाना है। देखिए ये 14 टाइम हमने बना लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 चैन लेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 चैन लेंगे और फिर इसके अंदर पम पम बनाएंगे, ये वाला 2 बार और ये इस तरह से 14 बार फिर ये बनेगा। तो देखिए हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे ये 14 बार बनाए हैं, अभी जो आएंगे तो हम 13 बनाएंगे, 13 12 11 10 9 करके ये घटा देंगे। और यहाँ पे जो है देखिए ये जाली यहाँ पे नीचे में 1 है और यहाँ पे 2, तो ये वाला जाली आपका बढ़ेगा अभी
तीन होगा, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे, उसके बाद इसमें बना देंगे। फिर भी हम ये रो कंप्लीट करके आपको एक बार दिखाएंगे। तो ये रो कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये पूरा रो कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसमें इस तरह से एक बार और दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए दो चैन लेके, एक दो, और यहाँ पे आपको इस तरह से पहले सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, उसके बाद एक दो तीन चैन लेंगे। और देखिए नीचे में 16 15 14, अब हम आपको यहाँ पे 13 दिखाएंगे। 13 टाइम ये वाला पम्पम जैसा बनेगा। तो ये देखिए ये चैन ले लिए हैं और एक बार ही ऊन निकाले हैं इसमें से, तो ये देखिए दो बार हो गया। फिर एक चैन लेंगे और ऐसे दो बार करेंगे। इसी तरह से एक एक चैन लेके ये बनेगा और ये घटते हुए पूरा एक हो जाएगा, उसके बाद ये कंप्लीट होगा। तो देखिए यहाँ तक आके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, ये 9, ये 10। फिर ये 11 और यहाँ पे ये 12 और ये लास्ट बार 13। अब देखिए फिर दो चैन लेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर दो चैन लेंगे और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर दो चैन लेके फिर यहाँ पे ये वाला पम्पम दो बार, ये देखिए। तो फिर ये देखिए ये उसी तरह से जहाँ यहाँ पे बनाया हमने 13 बार, अब इसमें सारा में 13 बार ही बनेगा। 13 से 12 11 10 9 इस तरह से करते हुए ये पूरा घट के ऐसे जाएगा। और ये जो है देखिए नीचे में 2 है जाली और ऊपर में 3, तो ये जाली भी बढ़ता जाएगा, ये घटेगा और ये जाली आपको बढ़ेगा। तो जाली जब बढ़ेगा तो अभी हमने 2 चैन लिया है, आगे जाइएगा ऊपर में तो आप चैन बढ़ा सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो आप चैन को बढ़ा सकते हैं, नहीं पड़े तो आप दो ही चैन लीजिएगा। तो हम पूरा बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको ये बनाने में लगेगा। तो चलिए इसके आगे क्या करना है वो हम आपको दिखा देते। ये देखिए यहाँ तक ये आपको जाली जैसा ये वाला बनाया गया है और ये देखिए ये पूरा घट के यहाँ पे 3 आ गया है। तो 3 मतलब कि यहाँ पे एक ही जाली यहाँ पे बचेगा, एक इधर और एक इधर छोड़ देंगे। तो ये वाला धागा हम निकाल देते हैं। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ऐसे और ये वाला हम लगा लेते हैं।
ये देखिए यहाँ पे इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से एक और दो तीन और ये चार और फिर से पांच। उसके बाद फिर हम दो चैन लेंगे और इस तरह से ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है सारा, दो दो चैन लेके उसी तरह से सारा बनाएंगे ऐसे। दो दो चैन लेके ये सिंगल क्रोशिया बनाने से ही ये जाली बन गया है। इस तरह से दो चैन लें और सिंगल क्रोशिया बना दें, फिर दो चैन, फिर सिंगल क्रोशिया। फिर दो चैन और दो चैन अब लेने के बाद ये वाला छोड़ के ये वाला बीच में पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। फिर दो चैन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो देखिए ये आपका ऐसा लगेगा। तो पूरा ये रो कंप्लीट करके फिर आगे दिखाते हैं इसके ऊपर क्या करना है। तो देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब हम यहाँ पे दो चैन लेंगे और इस जगह पे डबल क्रोशिया बनाना है, एक फिर दो चैन लेंगे, फिर इसके पास वाले चैन में दो एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर एक डबल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ पे आपका चार आएगा, एक दो तीन चार, नीचे में पांच है तो ऊपर में चार आएगा। अब हम ये सारा जिस तरह से नॉर्मल हम दो दो चैन देके बनाए हैं उसी तरह से बनाना है। ऐसे इस तरह से तो इसमें भी उसी तरह से चार बार ये वाला बनेगा, सारा में इसी तरह से बनेगा। तो पूरा रो बना के हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये रो भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे दो चैन लेंगे और यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे, से फिर यहाँ पे तीन चैन लेंगे और देखिए एक दो तीन और फिर सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, उसके बाद एक दो और ये तीन और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। इस तरह से करके ये रो भी कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका चार पफ बनेगा।
ये देखिए, और फिर नॉर्मल जिस तरह से दो दो चैन लेके ये बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर दो चैन सिंगल क्रोशिया, इस तरह से करके पूरी रो कंप्लीट करके फिर आगे आपको दिखाते हैं ऐसे। तो देखिए ये रो भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसे हम यहाँ से इस तरह से अटैच करके इसे कट कर देते हैं। और मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और निचला हिस्सा आप लोग नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल को ओपन करके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा और आप शुरू से ये पूरा थालपोस बना सकेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, अपने दोस्तों में विजिट करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।